हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके आईएएस पीसीएस प्रीलिम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो अभी तक हम लोग 21 टेस्ट खत्म कर चुके हैं, ये आपका 22वां टेस्ट है। चलिए तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन हमारा? पहला क्वेश्चन है काली घाट चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। यह उड़ीसा में विभिन्न हिस्सों में प्रसिद्ध था। ये गलत है आपका। पारंपरिक रूप से इस चित्रकला में चावल के लिए और सब्जियों के रंगों का प्रयोग किया जाता है। यह भी आपका गलत है। इस चित्रकला में धार्मिक विषय वस्तु और सामाजिक भावनाओं को चित्रित किया गया था। ये सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है? सही है। याद रखिए इस पॉइंट को, आप लोग बड़े अच्छे से पढ़ लिया करिए ध्यान से क्या पूछ रहा है। अगर यहाँ सही नहीं पूछ रहा होता तो हमारा कौन कौन सा, एक और दो सही होता इसमें, लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है, उसने सही है, तो केवल आपका तीन कथन सही है इसमें। कलकत्ता के बदलते शहर की समाज की पृष्ठभूमि में 19वीं शताब्दी में काली घाट चित्रकला ग्रामीण प्रवासियों द्वारा बनाई गई। कहाँ? कलकत्ता। जो कलकत्ता के काली घाट मंदिर के आसपास बसे थे, बछड़े और गिलहरियों के बालों से बने ब्रश के माध्यम से मिल पेपर व जल रंगों का उपयोग किया जाता है इसमें। ठीक है, तो पहले में आपका तीसरा ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है हमारा दूसरा। क्या है क्वेश्चन? इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है और सही कथन हमें ढूंढना है। ये संरचना है आपकी, ये विवरण है। डार्ट पत्थर ये आपका अंतर्गेहित खंडों की श्रृंखला सही है। सराय मसाज और वाष्प स्नान के लिए सार्वजनिक स्नान गृह, ये आपका गलत है। हमाम यात्रियों के ठहरने के लिए स्थायी बंदोबस्त, ये भी आपका गलत है। मेहराव मंच जहाँ से खुतबा पढ़ा जाता है, ये भी आपका ज्यादा था, ये भी आपका गलत है। तो इसमें केवल एक कथन आपका सही है। क्या है? केवल एक कथन आपका सही है, लेकिन इसमें जो दो तीन चार गलत हैं, इनके बारे में सही क्या होगा उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। भारत में इस्लामी स्थापत्य के मेहराब निर्माण की शुरुआत धीरे धीरे हुई। वास्तुकला के इस क्षेत्र में मेहराब गुम्बदों के वजन का आकलन होता हो सकता है। इस तरह है कि मेहराब को डार्ट पत्थर के साथ बनाने और महत्वपूर्ण पत्थरों के साथ लगाए जाने की आवश्यकता थी। सराय कौन? सराय। सराय एक साधारण चौरस पर निर्मित किया जाता था। इसका उद्देश्य भारतीयों और विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों, महाजनों आदि को अस्थायी आवास प्रदान करता था। ठीक। और हमाम मालिश और वाष्प स्नान के लिए तुर्की स्थान है हमाम। मेहराव मक्का में काबा की दिशा का संकेत देने वाला प्रार्थना स्थल है। ठीक। आगे बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? तीसरा। निम्नलिखित में से कौन मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली की विशेषता है? इनमें से नीचे दिए गए इनमें द्रविड़ शैली की विशेषता चुननी है हमें। गोपुरम है, जलकुंड ये भी है, रेखा डेव्स ये आपका गलत है, ये नहीं है, शिखर ये भी आपका है, कलश ये भी आपका गलत है। तो इसमें गोपुरम, जलकुंड, शिखर आपकी द्रविड़ शैली की विशेषताएं हैं। ठीक है, तो इसमें क्या एक दो चार सही है। नागर मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली की विशेषताएं हैं कौन कौन सी हैं? नागर मंदिर स्थापत्य कला से अलग, द्रविड़ शैली के मंदिर दीवार से घिरे होते हैं। ठीक। प्रांगण में बीचों बीच एक प्रवेश द्वार होता है जिसे गोपुरम कहा जाता है। गोपुरम किसे कहते हैं? प्रांगण में बीचों बीच एक प्रवेश द्वार होता है उसे गोपुरम कहते हैं। इस शैली की एक मुख्य विशेषता इसका पैरामिडीय विमान है। विमान उत्तर भारत के मंदिरों के बक्काकार शिखर की तुलना में ज्यामितीय रूप से पैरामिड के ऊपर में ऊपर की ओर उठी हुई आती है।
दक्षिण भारत के मंदिरों में शिखर शब्द का प्रयोग केवल मंदिर के शीर्ष पर स्थित तत्व के लिए किया जाता है। ठीक, उत्तर भारत के मंदिरों के प्रवेश द्वार पर गृह होता है। मंदिरों के इस शैली के मंदिरों में के अंदर एक जलकुंड या मंदिर सरोवर होता है। उड़ीसा की मंदिर वास्तुकला में शिखर को रेख डाउल्स के नाम से जाना जाता है। जो उड़ीसा में आपके मंदिर हैं, मंदिर की वास्तुकला में जो शिखर होता है उसे हम लोग रेख डेउस कहते हैं। ठीक है, तो इसमें 1, 2, 4 सही था, यानी कि बी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है 5, क्या है क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन 4। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? क्या चुनना है? सही कथन चुनना है। कुतुब मीनार के उत्तर पूर्व में स्थित कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया था, ये आपका गलत है। इसके आयताकार प्रांगण में 27 हिंदू और जैन मंदिरों जिन्हें ध्वस्त कर दिया गया था के स्तंभ एवं वास्तुकला के टुकड़े शामिल हैं, सही है। यह दिल्ली के सुल्तानों द्वारा निर्मित प्रथम शहर है जिसे दिल्ली ए कोहिना कहा जाता था कि सामूहिक मस्जिद थी, ये भी सही है। तो इसमें आपका 2 और 3 कथन सही है। पहला कथन होगा आपका सही, इसमें कुतुब मीनार के उत्तर पूर्व में स्थित कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण 1198 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। ठीक है, याद रखिए, किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ना कि इल्तुतमिश ने। 4 में आपका 2 और 3 कथन सही था। क्वेश्चन है आपका 5, क्या है? बनी ठनी निम्नलिखित में से किस एक शैली की विषय वस्तु है? तो याद रखना है आपको किशनगढ़ शैली की। किसकी? किशनगढ़ शैली की। क्वेश्चन है हमारा 6, छठवां क्वेश्चन है अगला, क्या है? अजंता गुफाएं चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। इन गुफाओं में भित्री और पिस्को दोनों प्रकार के चित्र बने हैं, सही है। इनमें टेम्पेरा शैली का प्रयोग किया जा गया है, ये भी सही है। इन चित्रों में बुद्ध का जीवन, वनस्पति, महिला आकृति का अद्वितीय केश विन्यास आदि का समावेश है, ये भी सही है आपका। यानी कि छठवें क्वेश्चन में आपके तीनों कथन सही होंगे। क्वेश्चन है हमारा 7, क्या है? निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। क्या करना है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही कथन चुनना है। क्या है? उपयुक्त में से कौन मधुबनी चित्रकला की विशेषताएं देखना है? चावल की ली लेई और एवं वनस्पति रंगों का प्रयोग, सही है। दोहरी पंक्ति का किनारा, ये भी सही है। नुकीली नोक वाले बांस का प्रयोग, ये आपका गलत है। हिंदू धार्मिक चित्रों का रूपांकन, ये भी सही है। तो आप याद रखिए, 1, 2 और 4 मधुबनी चित्रकला की विशेषताएं हैं, और नुकीली नोक और बांस वाले प्रयोग कलमकारी चित्रकला की विशेषताएं। किसकी? कलमकारी चित्रकला की विशेषताएं, चित्रकला की। और मधुबनी चित्रकला की मिथिला चित्रकला के नाम से भी जाना जाता है इसे। मधुबनी चित्रकला को मिथिला चित्रकला के नाम से भी जाना जाता है। इसकी विशेषताओं में हिंदू धार्मिक चित्रों का रूपांकन, चावल की लेई और वनस्पति रंगों का प्रयोग, दोहरी पंक्ति का किनारा, अलंकृत पुष्पित पैटर्न, अंतरंजित मुख मुद्राएं इसकी प्रमुख विशेषताएं। 7वें में आपका 1, 2, 4 सही था, यानी कि सी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है 8, क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित युग्मों पर हमें विचार करना है। ये मंदिर स्थल हैं और ये राज्य हैं आपके, है मंदिर स्थल और राज्य, सही आपको चुनना है। ऐहोल आपका कर्नाटक सही है, कांचीपुरम आंध्र प्रदेश ये आपका गलत है, महाबलीपुरम तमिलनाडु ये आपका सही है। क्या है? सही है। जो आपका कांचीपुरम है ये तमिलनाडु में है, कांचीपुरम आपका तमिलनाडु में है, ना कि आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कांचीपुरम को मंदिरों के शहर के नाम से जाना जाता है। कांचीपुरम का कैलाश मंदिर आपका प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसमें 1 और 3 सही है, कांचीपुरम भी आपका तमिलनाडु में है। तो 8 का क्या सही था? सी ऑप्शन 1 और 3 सही था। क्वेश्चन है 9, क्या है? निम्नलिखित में से कौन
मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित हैं। तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, जगमोहन, पंचायतन, स्तूपिका, तीनों आपके सही हैं इसमें। ये सभी मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित हैं। तो 9 में आपका डी होगा तीनों। क्वेश्चन है हमारा 10वां, क्या है, निम्नलिखित एवमों पर हमें विचार करना है और सही सम्मिलित देखना है। ये चित्रकला है आपकी, ये स्थान है, क्या है, चित्रकला और स्थान। पट्ट चित्रकला उड़ीसा सही है, कलमकारी चित्रकला कर्नाटक आपका गलत है, ढंग का चित्रकला सिक्किम ये आपका सही है, बर्ली चित्रकला बिहार ये आपका गलत है। तो इसमें आपका 1 और 3 सही है, बाकी 2 और 4 गलत है। पट्ट चित्रकला आपकी उड़ीसा से संबंधित है, सही है। कलमकारी जो चित्रकला है ये आपकी आंध्र प्रदेश से संबंधित है, कहाँ से, आंध्र प्रदेश से संबंधित है आपकी कलमकारी चित्रकला, आपको याद रखना है। थंग का चित्रकला आपकी सिक्किम से संबंधित है, लेकिन बर्ली चित्रकला है जो ये आपकी गुजरात प्लस महाराष्ट्र से संबंधित है, कहाँ से, गुजरात और महाराष्ट्र से। तो याद रखना है, पट्ट चित्रकला उड़ीसा से, कलमकारी चित्रकला कलमकारी चित्रकला आंध्र प्रदेश, थंगला चित्रकला सिक्किम, बर्ली चित्रकला गुजरात एवं महाराष्ट्र। तो इसमें आपका 1 और 3 सही था। क्वेश्चन है हमारा 11, क्या है, निम्नलिखित मंदिरों में से कौन यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों में शामिल नहीं है, क्या पूछ रहा है, नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें आपका दशावतार मंदिर नहीं है शामिल, और आपका लिंगराज मंदिर नहीं है शामिल, ठीक है। ऐरावतेश्वर मंदिर आपका शामिल है, महाबोधि मंदिर आपका शामिल है, ठीक है। तो इसमें आपका क्या पूछ रहा है, शामिल नहीं है पूछ रहा है। तो इसमें 1 और 3 कथन होगा आपका, क्या होगा, 1 और 3 कथन होगा। कुछ महत्वपूर्ण यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों में जो मंदिर शामिल है उनके बारे में बात कर लेते हैं। सूर्य मंदिर कोडार्क उड़ीसा में है, जो ये शामिल है आपका विश्व विरासत स्थल में। महाबलीपुरम मंदिर तमिलनाडु में है, ये भी आपका शामिल है। भेदेश्वर मंदिर तंजावुर में है तमिलनाडु में, ये भी आपका है। ऐरावतेश्वर मंदिर आपका दारासुरम तमिलनाडु में, ये भी आपका है। महाबोधि मंदिर आपका बिहार में है, बोधगया बिहार में, ये भी शामिल है, ठीक है। क्वेश्चन है 12, क्या है क्वेश्चन 12, निम्नलिखित एवमों पर हमें विचार करना है, ये मूर्ति है और ये स्थान है आपकी, क्या है, मूर्ति और स्थान, सही देखना है। गंगा का उद्भव विवरण महाबलीपुरम सही है, कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण ये भी सही है, एलोरा, नटराज तंजावुर ये भी आपका सही है, यानी कि आपको तीनों कथन सही है, क्या है, तीनों कथन सही है। 12 का डी है। क्वेश्चन है 13, क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर हमें विचार करना है, ये दर्शन है आपके, ये प्रेडेता है, ठीक है। तो इसमें आपका सही है सांख्य दर्शन कपिल से संबंधित है, ये सही है। न्याय आपका गलत है, योग गौतम से संबंधित नहीं है। इसमें सही क्या होगा आखिर, तो याद रखना, न्याय दर्शन आपका जो है ये महर्षि गौतम से संबंधित है, किससे, महर्षि गौतम से संबंधित। योग दर्शन है जो आपका ये महर्षि पतंजलि से संबंधित है, तो इसका योग पतंजलि होगा और न्याय गौतम होगा, सांख कपिल था ही आपका। तो इसमें क्या था, 13 में केवल 1 सही था। क्वेश्चन है हमारा 14, क्या है क्वेश्चन, यक्ष और यक्षिणियों की पूजा का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्मों से संबंधित है, तो आपको याद रखना है, हिंदू धर्म से संबंधित है, जैन से भी संबंधित है, बौद्ध से संबंधित है। तो यक्ष यक्षिणियों की पूजा का संबंध तीनों धर्मों से संबंधित, हिंदू जैन बौद्ध। तो इसमें होगा आपका डी ऑप्शन, 14 में क्या होगा डी। क्वेश्चन है 15, क्या है, प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला में गोपुरम निम्नलिखित में से किसे निर्दिष्ट करता है, क्या है, प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला में गोपुरम निम्नलिखित में से किसे निर्दिष्ट करता है, तो याद रखना ये करता है मंदिर के प्रवेश द्वार को, क्या है, बी ऑप्शन सही है। गोपुरम जो आपका है ये दक्षिण भारत के मंदिरों से संबंधित है, आपको याद रखना है।
क्वेश्चन है आपका 16 अगला, क्या है? निम्नलिखित में से किस संस्था ने व्यक्तियों के खुदरा भुगतान की आदतों का सर्वेक्षण लॉन्च किया है? तो याद रखना, भारतीय रिजर्व बैंक ने, इसने भारतीय रिजर्व बैंक ने, RBI ने। क्वेश्चन है 17, क्या है? लॉन्च हुई संपन्न प्रणाली संबंधित है आपकी, संपन्न प्रणाली आपकी संबंधित है किससे संबंधित है? पेंशन भुगतान से, किससे? पेंशन भुगतान से, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा 18, क्या है? महिला पुलिस वॉलंटियर्स MPV योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। MPV की परिकल्पना पुलिस तथा समुदाय के बीच एक कड़ी के रूप में काम करने के लिए की गई है, ये आपका सही है। यह गृह मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की पहल है, ये आपका गलत है। एक केवल आपका कथन सही है, याद रखना है आपको, गृह मंत्रालय के सहयोग से महिला एवं बाल, किसने? गृह मंत्रालय के सहयोग से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में महिला पुलिस स्वयंसेवकों की नियुक्ति की परिकल्पना की है, किसने? गृह मंत्रालय के सहयोग से, किसने? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ठीक है। इसमें केवल एक सही था आपका। क्वेश्चन है 19, रेड हॉल माइनिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, क्या करना है? विचार। यह राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा प्रतिबंधित है, ये सही है। इसमें पहाड़ी ढलानों पर संकीर्ण सुरंगों की खुदाई शामिल है, ये सही है। यह श्रमिकों के लिए खनन के सबसे अधिक उत्पादक एवं सुरक्षित तरीकों में से एक है, ये आपका गलत है। क्या है ये आपका गलत है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल GNNGT ने श्रमिकों के लिए अवैज्ञानिक एवं असुरक्षित होने के आधार पर बस 2014 में रेड हॉल माइनिंग के अभ्यास पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है, क्योंकि ये सुरक्षित तरीकों में से एक नहीं था। इसमें आपका 19 में एक और दो कथन सही था। क्वेश्चन है हमारा 20, तंजौर का श्री बेहदेश्वर मंदिर समाचारों में था, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? याद रखना, इसे पेरिया कोविल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, सही है। यह यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल महान चोल मंदिर का एक भाग है, ये भी सही है। यह भारत में बीरसर शैली का सबसे बड़ा मंदिर है, ये आपका गलत है। क्या है ये आपका गलत है? याद रखना, ये मंदिर आपका डेविड वास्तुकला का एक उदाहरण है, ना कि बेसर, किसका? डेविड वास्तुकला का। तो इसमें आपका एक और दो कथन केवल सही थे। क्वेश्चन है 21, मंग देचू परियोजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मंग देचू परियोजना आपकी भारत भूटान के मध्य जल विद्युत समझौते से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा 22, क्या है? हॉर्नबिल त्यौहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? जिस पक्षी के नाम पर इस त्यौहार का नाम रखा गया है वह है IUCN की लाल सूची में गंभीर रूप से संकटापन्न श्रेणी में सूचीबद्ध है, गलत है। यह त्यौहार मणिपुर के लोगों की समृद्ध प्राचीन संस्कृति एवं सभ्यता को दर्शाता है, ये आपका गलत है, यानी कि आपके दोनों कथन गलत हैं। वर्ष 2000 से प्रत्येक वर्ष दिसंबर के पहले सप्ताह में कोहिमा नागालैंड में, कहाँ? कोहिमा नागालैंड में, याद रखना है, ये ना कि मणिपुर का नहीं है, नागालैंड का हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है। यह 1 दिसंबर को नागालैंड की स्थापना दिवस के दिन ही शुरू होता है। यह नागालैंड के राज्य पर्यटन तथा कला व संस्कृति विभागों द्वारा आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर नागालैंड की राजधानी कोहिमा से 12 किलोमीटर दूर अवस्थित पश्चिमी अंगामी स्थान किसामा में सांस्कृतिक प्रदर्शन का आयोजन किया जाता है, ठीक है। इस त्यौहार का नाम ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के नाम पर रखा गया है। यह एक बड़ी व रंगीन चिड़िया होती है
जिसका जिक्र नागालैंड की अधिकांश जनजातियों के लोकगीतों में होता है। इस पक्षी को IUCN की लाल सूची में असुरक्षित रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है। ठीक है, 22 का था आपका डी ऑप्शन सही। क्वेश्चन है 23। क्या है क्वेश्चन? राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है। शुरुआत में NPS केंद्र सरकार के कर्मचारियों व रक्षा बलों के सदस्यों के लिए पेश किया गया था, ये आपका गलत है। हाल ही में सरकार ने अपने योगदान को बढ़ा दिया है, इसमें ये सही है आपका। क्या है? दूसरा कथन सही है। केंद्रीय स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को उपयुक्त तिथि को 1 जनवरी 2004 से प्रभावी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू की गई है केंद्र सरकार ने। ठीक है, 1 जनवरी 2004 से। अनिवार्य रूप से NPS के सरकारी क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। केंद्र सरकार CAB के कर्मचारी नियोक्ताओं से प्राप्त अंशदान के साथ अपने मासिक पेंशन से पेंशन में योगदान करते हैं। ठीक है, इसमें केवल 2 कथन सही था, 23 में केवल 2। क्वेश्चन है हमारा 24। क्या है? सूचना संलग्न हिंद महासागर क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है। इसकी स्थापना भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद में की गई, यह आपका गलत है। इसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा के मामलों में क्षेत्र के देशों के बीच समन्वय को बढ़ावा देना है, ये भी सही है आपका। केवल दूसरा कथन आपका सही है। गुरुग्राम में अवस्थित नौसेना के सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र में सूचना संलयन केंद्र की स्थापना की गई है। कहाँ? नोएडा में, गुरुग्राम। ठीक है, यह लगभग 7500 किलोमीटर की तटरेखा की निर्बाध तत्कालिक छवि उत्पन्न करने के लिए सभी तटीय रडार श्रृंखला को जोड़ने वाला एकल बिंदु है। इसमें आपका बी ऑप्शन था, केवल 2। क्वेश्चन है आपका 25। नासा का विजन 2 मिशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो आपको याद रखना, अंतरिक्ष में ऑक्सीजन का बहिर्वाह से संबंधित। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। तो ये थे आपके महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चंस, जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे।